नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव त्रिपाठी। यू ऑल आर वॉचिंग आजाद क्लासेस एंड यस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो फॉर प्रैक्टिकल ऑफ नेशनल इनकम। शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे भाई तुमने थंबनेल देखा होगा एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व फाइव प्रैक्टिकल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सो हियर वी गो। क्वेश्चन आपके सामने है एंड वी हैव टू प्रूव दैट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज जस्ट इक्वल टू इनकम जेनरेट। यानी कि NVAFC इनकम जेनरेटेड मतलब इनकम मेथड से निकलता क्या है? बेसिकली डोमेस्टिक इनकम निकलता है सर, और उसी डोमेस्टिक इनकम को हम NDPATFC कहते हैं। सो द फैक्ट यू हैव टू प्रूव इन द क्वेश्चन इज दैट द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट शुड बी जस्ट इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले यहाँ प्रोडक्शन मेथड से हम NVAFC फाइंड करते हैं। द फॉर्मूला इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तुम्हारे लिए यार, तुम्हारा काम आसान करने के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। दिस इज द फॉर्मूला डेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट consumption. Is this the formula? Now value of output is again reclassified into two. We all know that sales plus change in stock. आप description में देख सकते हैं, मैंने इसकी सारे के सारे methods already बनाए हुए हैं। So the question is here, sales की value आपको दिख रही होगी question में, it is 1200. Stock, change in stock, formula है closing stock minus opening stock. The value of closing stock is 400, minus करना भैया opening stock 200, value ultimately आएगी 200. 1200 प्लस 200, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया यहाँ पे 1400 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो वैल्यू होती है जो चाहे हाउसहोल्ड, चाहे गवर्नमेंट और चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कहीं से परचेस करता है। ठीक है, या एक फॉर्म जो भी अपने इंटरमीडिएट कंजम्पशंस लगाती है रॉ मटेरियल के रूप में, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो खर्चे होते हैं बेसिकली, क्या बोला मैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंतर्गत में आते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में डायरेक्टली क्वेश्चन में IC की वैल्यू नहीं दी है, बट इट हैज़ बीन गिवन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल इज द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो विल डिडक्ट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल 1400, रॉ मटेरियल का वैल्यू है 300, तो 1400 माइनस 300 इज इक्वल टू 1100। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि फॉर्मूला तो बाबा यही बता रहा है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले डेप्रिसिएशन यहाँ डिक्रीज करिएगा एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 200, विल गेट द वैल्यू 900। दिस विल बी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, विल डिडक्ट द नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी आप माइनस करेंगे, द वैल्यू विल बी 100 एंड 900 माइनस 100, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल टू 800। ऑलराइट, व्हाट इफ आई से वैल्यू ऑफ NDPATFC, फॉर्मूला सेम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस वैल्यू ऑफ मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, द फुल अमाउंट हैज नॉट बीन गिवन with the name of compensation of employee, but in the question you can see that the amount of wages and salary has been given, so that is the part of compensation of employee. We'll write here as 350. Now here comes operating surplus. It has four divisions: rent, royalty, interest and profit. And remember that profit again is reclassified into three, that is dividend, undistributed profit and corporate tax. So here if you go, then again the full amount of operating surplus has not been given. So we'll add up here, rent is 150, royalty is not given in the question, so it will be skipped, we know. Interest will be added as 100 and a profit is not given, but all three items of profit has been given in the question. That is dividend, undistributed profit and corporate tax. If we will sum up these three values, then the amount of profit will be 200, amount of interest will be 100 and the amount of rent is 150. So the value will be 450. There is no such mixed income given in the question, we'll put the value 0 and if we'll add up, this value will again come to 800. So 800 is the amount of
NDPHFC या इसे ही मेरे भाई इनकम जनरेटेड भी कहते हैं। तो प्रूफ हो गया ना क्वेश्चन। तो अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, एंड द क्वेश्चन इज वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद इनकम मेथड ऑल्सो एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें नेशनल इनकम का वैल्यू निकालना है। हियर वी गो विद द सॉल्यूशन। इफ यू सी इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज 1000, द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, अगेन द फुल वैल्यू हैज नॉट बीन गिवन, इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू सेवरल टॉपिक्स, एंड इफ यू रीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 640, द अमाउंट ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट इज 250 एंड 150। सो इफ यू विल कैलकुलेट इट, इट विल बी 1040, एंड अगेन द अमाउंट ऑफ मिक्स्ड इनकम इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, इट विल बी जस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, सो इट विल बी जस्ट इक्वल टू 2040। सो 2040 इज द वैल्यू ऑफ NDPHFC। नाउ नो टर्म स्टूडेंट्स, वी हैव टू कैलकुलेट NNPHFC। ओके, नाउ द एफसी एंड नेट द अमाउंट इज सेम, वी हैव टू रीच टू नेशनल फ्रॉम डोमेस्टिक, सो ओनली देर विल बी अ सिंगल एडजस्टमेंट, दैट इज अमाउंट ऑफ NFIA। एंड इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ NFIA हैज नॉट बीन गिवन, द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हैज बीन गिवन। मतलब यार ये वो पैसा होता है भाई जो हम भारतीयों ने क्या है विदेशों को दे दिया है, या यूं कहे कि विदेश के लोग हमारे इंडिया से ये पैसा इतना यहां से कमा के ले गए। सो दैट हैज बीन अ लॉस फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, एंड वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम विद द परसेप्शन ऑफ अवर भारत। क्लियर? तो हम भारत के अगर परसेप्शन से करेंगे बेटा, तो दिस एन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विल बी श्योरली डिडक्टेड। आप इसे डिडक्ट करेंगे क्वेश्चन में, हालांकि ये प्लस ही होगा NFIA, लेकिन चूंकि इसका कंपोनेंट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, सो इट इज अ माइनस कंपोनेंट, तो प्लस माइनस विल बी माइनस। द अमाउंट इज 30, यू कैन चेक अप हियर, एंड व्हेन द 30 विल बी माइनस फ्रॉम 2040, यू विल गेट द आंसर दैट इज 2010। दिस विल बी द नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। इफ यू सी private final consumption expenditure, the value has been given, that is 1200, private final consumption expenditure 1200 plus government final consumption expenditure, the value has been given 600, plus gross domestic capital formation and plus net export, this is the value। Now gross domestic capital formation ki value direct nahi diye question mein, but if you look after the question, there is a hint given to you, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज 340 रुपी। ओके, एंड इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, इफ यू आर गोइंग टू एड डेप्रिसिएशन इन नेट NDCF, द वैल्यू विल बी GDCF ऑटोमेटिकली। भैया नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं तो ग्रॉस होता है, तो यहीं पर अगर हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो 340 प्लस 50 विल बी जस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज 390। नाउ प्लस माइनस एक्सपोर्ट 40, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हैज बीन गिवन इन माइनस। एक्सपोर्ट की वैल्यू माइनस का मतलब यार भारत ने एक्सपोर्ट कम किया है और इंपोर्ट ज्यादा किया है। क्लियर है यार? तो इफ यू एड अप टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ GDP एट मार्केट प्राइस, यू विल गेट टू नो द वैल्यू, दैट इज 1200 + 1800 + 2190 और माइनस करेंगे 40 तो 2150। 2150 इज द अमाउंट ऑफ GDP एट MP। कुछ एडजस्टमेंट करें, माइनस करो सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो 50 दिया है, 50 माइनस करोगे यू विल गेट द वैल्यू 2100। दिस 2100 इज द वैल्यू ऑफ NDP एट मार्केट प्राइस। नाउ यू विल डिडक्ट द वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज 60। 60 को यहाँ पे फिर डिक्रीज करोगे 2040, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ NDP एट FC, एंड फाइनली NDP NDPFC वैल्यू आ रही थी याद है 2040। और हम इसके बाद प्लस करेंगे NFIA, बट द कॉम्पोनेंट ऑफ NFIA हेयर इट इज इन माइनस, दैट इज माइनस 30 नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो 30 माइनस करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ भाई 2010। This 2010 is the national income from expenditure method, and this 2010 was also the national income related to income method. The number third question is, we have to find gross national product at factor cost, GNPF से निकालना है। ये लंबी सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्लियर है? With income as well as with expenditure method. तो अगर मैं कहूँ कि पहले इनकम मेथड से करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन के वैल्यू हिडन है, जाने जानने और देखने के लिए बने रहिए आजाद क्लासेस पे शक्तिमान की तरह। चलो
तो करना क्या था आपको, डैट फॉर्मूला याद करना है एंड द इनकम मेथड एक्सप्लेन्स COE प्लस OS प्लस MY इज इक्वल टू NDPATFC, क्लियर है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई भाई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई तो डायरेक्टली नहीं दिया है, बट द अमाउंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी हैज बीन गिवन एंड वन अमाउंट इज ऑल्सो गिवन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कभी कभी यहाँ पे इम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन देता है तो उसको गलती से भी एडअप मत करना, ठीक है? वेजेस एंड सैलरी का अमाउंट 800 और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी का अमाउंट 100, यानी 900 क्या बना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू इट हैज बीन स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 600, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया 600 एंड द वैल्यू ऑफ मिक्सड इनकम इज ऑल्सो इट हैज बीन गिवन दैट इज 160। सो इफ यू एड अप द वैल्यू 9, 6, 15, 1, 1660 1660 इज द अमाउंट ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बट वी हैव टू फाइंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ हेयर इज द ट्रिक दैट यू शुड नो वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज इट मे बी आस्क्ड इन योर बोर्ड्स ऑल्सो। नेट पे अपन है और अपन को ग्रॉस पे जाना है, मतलब इसका तो यार फंडा क्लियर है कि डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं निकलेगा, लेकिन अगर मैं पूरा क्वेश्चन आपसे चेक करा दूं तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कहीं भी एग्जैक्ट मेंशन नहीं की हुई है। अब यार अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मेंशन है बट इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू है 330 और नेट कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू है 300, तो 330 माइनस 300 करेंगे तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आती है 30 और इस 30 वैल्यू को आपको ऐड करना पड़ेगा टू ब्रिंग अप 1690। दिस 1690 विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ ग्रॉस एंड फैक्टर कॉस्ट इज सेम, यू हैव टू कम टू नेशनल फ्रॉम डोमेस्टिक, इट मींस NFIA विल बी एडेड, बट हेयर NFIA इज इन नेगेटिव, द वैल्यू इज -20। सो हेयर वी गो विद प्लस NFIA बट द वैल्यू इज इन भैया -20 है, तो -20 करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 1670, 1670 है GNP एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं आपसे बात करूँ GNP एट FC निकालने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड से, तो बेसिकली सॉल्यूशन अगर हम देखें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट विल बी जस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ GDP एट मार्केट प्राइस। एंड वंस GDP एट MP विल बी कैलकुलेटेड देन एवरी कैलकुलेशन विल बी बेसिकली सिंपल। सो इफ यू गो विद द सॉल्यूशन, बेसिकली सॉल्यूशन देखें तो वैल्यू ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450। नाउ व्हेन इट कम्स टू GDCF ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, इट इज द वैल्यू सेम 330 इज द अमाउंट। इफ यू एड अप द वैल्यू 1450 और 1780 प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इफ यू विल डू, द वैल्यू इज इन -30। आप कर लो ना, कर लेना क्वेश्चन के हिसाब से, आपने क्वेश्चन सुतारा होगा। तो 1450 प्लस 1780 माइनस 30 1750 1750 इज द अमाउंट ऑफ GDP एट मार्केट प्राइस। नाउ बेसिकली निकालना क्या था भाई, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। सो फॉर अ मार्केट प्राइस व्हेन वी रीच टू फैक्टर कॉस्ट वी हैव टू डिडक्ट अ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज 60। 1690 अमाउंट आ जाएगा किसका, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ फ्रॉम GDP एट फैक्टर कॉस्ट द डेस्टिनेशन टू GNP एट फैक्टर कॉस्ट ओनली लीड्स टू द एडजस्टमेंट ऑफ NFIA एंड वी हैव सीन दैट NFIA हैज बीन इन -20। सो इफ दिस -20 विल बी डिडक्टेड द आंसर विल बी 1670, हेंस प्रूव्ड। अगर मैं तुम्हें ले चलूँ फोर्थ क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ भी GDP एट FC बेसिकली निकालना है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। तो शुरू हो जाते हैं इनकम मेथड के साथ। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दो आइटम दिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए, वेजेस एंड सैलरी इन कैश और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी 700, 100, द कंपनसेशन विल बी 800। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बेसिकली है, ये कभी कभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी प्रोनाउंस हो जाता है, बट इट इज दो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन रेंट की वैल्यू 50, इंटरेस्ट की वैल्यू 50 एंड बेसिकली प्रॉफिट की वैल्यू 100। तो अगर हम तीनों को ऐड करें तो ऑपरेटिंग सरप्लस विल बी 200 एंड वैल्यू ऑफ मिक्स्ड इनकम इट हैज बीन गिवन एंड दैट इज रुपी 100। सो इफ यू एड अप
to the value of NDP at FC, the value will be 8 or 2 ek 11. Yani 1100 is the value of net domestic product at factor cost. Simply we have to find GDP at factor cost. So just an element, that is depreciation, will be added. Depreciation amount is 20. Here go with the solution of the answer, that is 1120.